नमस्कार जुहार, छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रही हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। महतारी वंदन योजना के लिए साय सरकार ने तय किए नियम और शर्तें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना 1 मार्च से लागू हो जाएगी। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये DBT के माध्यम से उनके खाते में भेजे जाएंगे। स्वसत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने तीरंदाजी में आजमाया हाथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बचपन की यादें ताज़ा हो गई। यहां बच्चों को तीरंदाजी करते हुए देखा तो उनसे भी नहीं रहा गया और हाथों में तीर धनुष थाम कर सटीक निशाना लगाया। दरअसल सीएम ने बस्तर संभाग के जिला नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में आयोजित किसान मेला में हाथों में तीर धनुष थाम कर अचूक निशाना लगाया। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा की आज होगी बड़ी बैठक। छत्तीसगढ़ में भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के बाद से अब भाजपा का फोकस लोकसभा चुनाव की सभी 11 सीटों पर बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रभारी, सह प्रभारी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के साथ चर्चा करेगी। सभी के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर प्रत्येक सीट पर 2 से 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। नारायणपुर को सीएम विष्णुदेव साय ने दी 108 करोड़ रुपए की सौगात, विकास कार्यों का किया लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर जिले में 108 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देते हुए कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने जिले में 29 नवनिर्मित विकास कार्यों का लोकार्पण किया जिसमें 22,66,00,000 रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही उन्होंने 52 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जिसमें 46,12,00,000 रुपए का खर्च आएगा। ईवीएम को किया जा सकता है हैक, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम पर उठाए सवाल। ईवीएम को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ईवीएम हैक करवा कर चुनाव जीती है। हालांकि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने डेमो करके भी दिखाया है। अब ईवीएम को लेकर पूर्व सीएम बघेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी ईवीएम के हैक होने की आशंका व्यक्त की है। पायलट बोले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनेगी जनता की आवाज़। 13 फरवरी को वे अंबिकापुर पहुंचेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट अंबिकापुर पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी चर्चा की। पायलट ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जनता की आवाज़ बनेगी। छत्तीसगढ़ में हम हारे जरूर हैं लेकिन हमारा वोट प्रतिशत मजबूत है। परीक्षा केंद्र में तैयारी तेज, 1 मार्च से एग्जाम होगा शुरू। बोर्ड परीक्षा की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। इसी के साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारियां भी अब शुरू हो गई हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र का वितरण किया गया। बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बमहनी डीह ब्लॉक के ग्राम हायर सेकेंडरी स्कूल ताल देवरी अफरीद और सरहर को नया परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ में प्लान रेडी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट प्रदेश के अंबिकापुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने संभाग के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों और कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा की है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 फरवरी को रायगढ़ से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी और 13 फरवरी को अंबिकापुर पहुंचेगी। अंबिकापुर में राहुल गांधी एक आम सभा को संबोधित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों की आतंक। बिलासपुर जिले में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। रात में गली मोहल्लों और चौक चौराहों में आवारा कुत्तों की फौज से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। रोजाना कम से कम औसतन 15 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। सिम्स में रोजाना 10 से ज्यादा और जिला अस्पताल में हर दिन 4 से 5 आहत लोग रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। दोनों अस्पताल में मिले आंकड़ों के मुताबिक नवम्बर से 2 फरवरी की स्थिति तक 975 लोगों को कुत्तों ने काटा है। कटनी जाओ या रायपुर, ट्रेन में पानी मिलेगा भरपूर। कटनी जाओ या रायपुर यात्री ट्रेनों में पानी मिलेगा अब भरपूर। गर्मी का सीजन से पहले रेलवे ने यात्रियों को जल संकट से बचाने
अनोखी पहल की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के उसलापुर स्टेशन में अब क्विक वाटरिंग सिस्टम प्रणाली प्रारंभ हो चुकी है। 40 हॉर्स पावर क्षमता के 3 पंप के माध्यम से सिर्फ 10 मिनट में ट्रेनों में पानी भरा जा रहा है। 6 और 7 फरवरी को कई ट्रेनें प्रभावित, कुछ का बदला समय। छत्तीसगढ़ में आए दिन ट्रेनों के प्रभावित रहेगी। इसी कड़ी में अब चक्रधरपुर रेल मंडल ने पावर ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुए हैं। इनमें से कुछ का समय बदला है तो कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे ने इसकी जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा मम्स संक्रमण, बच्चे हो रहे बीमार। बदलते मौसम में बच्चों में तेजी से मम्स यानी गलसुआ रोग का संक्रमण फैल रहा है। जिला अस्पताल व सिम्स में हर रोज औसतन इनके 10 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञों ने ऐसे हालातों में बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने का आग्रह किया है। डॉक्टरों के मुताबिक मम्स के वायरस का संक्रमण लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। बेमौसम बारिश, कोहरा, बदली सी फसलों को भारी नुकसान, किसान हुए परेशान। दाढ़ी सहित अंचल में हो रहे असमय बारिश, बादल, कोहरा छाए रहने से रवि फसल को काफी नुकसान होने की अंदेशा बना हुआ है। वहीं सब्जी की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसानों के चेहरे में मायूसी स्पष्ट झलकने लगी है। सब्जी की खेती करने वाले कृषक हीरा लाल सोनी ने बताया कि सब्जी की खेती में मौसम का प्रभाव सबसे ज्यादा हो रहा है। बस्तर में बढ़ेगी रेल सुविधाएं, 17 करोड़ से हो रहा रेलवे स्टेशन का उन्नयन। वोल्टेयर रेलवे डिवीजन के DRM सौरभ प्रसाद जगदलपुर के दौरे पर पहुंचे। बता दें कि 17 करोड़ रुपए की लागत से जगदलपुर रेलवे स्टेशन का उन्नयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत स्टेशनों के आधुनिक बनाने के साथ ही यात्री सुविधाओं का विस्तार करने पर रेलवे को का फोकस है। रविशंकर ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा इधर इंडिया टूट रहा है उधर वो देश जोड़ने चले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली से पटना पहुंचे। उन्होंने कहा कि गठबंधन की शक्ति को हमने बार बार दुर्बल माना था और अब वो दुर्बलता दिखाई दे रही है जिससे हमें नहीं था अनुमान। उन्होंने ये भी बताया कि नीतीश कुमार ने छोड़ा है, ममता बनर्जी छोड़ रही हैं और बाकी के लोग बस नमस्ते कह रहे हैं। इधर इंडिया टूट रहा है और उधर राहुल गांधी देश जोड़ने चले हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।